आज सतगुरुवार के वरदानी दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शांति, आज 11 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। सेवा में सेवा करते हुए विघ्नों को उन्नति का साधन समझने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा करते समय विघ्न भी आते हैं, विघ्नों का आना भी ड्रामा में नोंद है। सेवा निर्विघ्न भी बनाती है, लेकिन विघ्नों को पेपर समझ पार करना है। ये विघ्न अनुभवी बनाने के लिए आते हैं। जब ये विघ्न आते हैं तो आपकी सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं, इसलिए आप निर्विघ्न सेवाधारी हो। जो सफल सेवाधारी हैं उन्हें ही कहेंगे जो निर्विघ्न रहते हैं, अर्थात विघ्नों को देखकर डरते नहीं, घबराते नहीं, अपितु ये अनुभव करते हैं कि ये मुझे आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, अनुभवी बनाने के लिए आए हैं। वो उनके लिए उन्नति की सीढ़ी बन जाते हैं। बाबा ने आज याद दिलाया, शिव बाबा भोलानाथ है, वो पतित पावन है, भोलानाथ है। हमसे चावल मुट्ठी लेकर उसके बदले में महल दे देते हैं। बाबा कहते, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बाबा के आगे समर्पित कर दो, फिर ट्रस्टी होकर संभालो। भक्ति में भी दान पुण्य करते थे, ज्ञान मार्ग में आप डायरेक्ट तन मन धन सफल करते हो। भक्ति में जो कुछ करते थे उसका अल्पकाल के लिए मिलता था, अब तुम्हें सदा काल के लिए मिलता है। अगर कोई धर्मशाला बनवाते हैं, हॉस्पिटल बनवाते हैं, तो आयु बड़ी होती है, धन भी मिलता है। भविष्य में बाबा ने कहा, ऊंच पद पाना है तो अपना तन मन धन चावल मुट्ठी सब सफल करना है। जो बच्चे याद का अभ्यास करते हैं उनको विकर्म विनाश करने में मदद मिलती है। बाबा ने कहा, योग योग कह के कन्फ्यूज नहीं होना, बस बाबा को प्यार से याद करना है। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर आप ड्रिल करते हो, उससे आत्मा पावन बनती है। जब आप कहते हो बाबा, आपकी याद भूल जाती है, बाबा ने कहा, क्या आपको ये अच्छा लगता है? आप पतित पावन बाप को प्यार से याद करते रहो। दिखाते हैं सागर ने, सागर चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, वो इस समय का यादगार है जब बाबा आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान अथाह है, सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी ये ज्ञान और महिमा कम नहीं हो सकती। एक एक उंगली का सहयोग दिया, ये यादगार दिखाया है। आप बच्चों को एक एक उंगली देते हुए इस कलयुग रूपी गोवर्धन पर्वत को उठाना है। आत्मअभिमानी और देह अभिमानी में बहुत अंतर है। जब आप राजयोग सीखते हैं तो बाबा कहते, आत्मअभिमानी बनो। मैं आत्मा इस देह से कर्म करा रही हूँ, देह अभिमान नष्ट होता जाए। देह अभिमान में आने से सारी भूले होती हैं। ये बना बनाया नाटक है, इससे एक भी निकल नहीं सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि मोक्ष मिल जाए, हम पार्ट बजाने आए ही ना। गाया जाता, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जे अनहोनी होए। हर एक एक्टर का पार्ट अपना है, यहाँ पर बाबनी का पार्ट बजाने के लिए सबको आना ही है। भक्ति और ज्ञान का अंतर स्पष्ट करते हुए बाबा ने कहा कि बाबा आकर भक्ति का फल देते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से बाबा आपको मिलते हैं, जिससे आप सदगति के लिए श्रीमत प्राप्त करते हो। अभी तुम्हें श्रीमत पे चलना है, दुखों के पहाड़ गिरने हैं, तुम्हें वशीकरण मंत्र सबको देते जाना है। बाबा मिलन के लिए आते हैं तो उसके लिए नियम पालन करके आना है, पवित्र बनना है, औरों को भी बनाना है, विघ्न विनाशक बनना है, विघ्न रूप नहीं बनना। आज चलते फिरते
सबको संकल्प शक्ति से वरदान देंगे, निर्विघ्न सेवाधारी भव, राजयोगी भव, कर्म योगी भव। अब सुनते हैं आज के मधुर महावाक्य आदरणीय बड़े दीदी से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 11/4/24 के अनमोल मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये बना बनाया नाटक है। इस नाटक से एक भी आत्मा छूट नहीं सकती, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। प्रश्न है, ऊंचे तो ऊंचा पतित पावन बाप भोलानाथ कैसे? तुम बच्चे उन्हें चावल मुट्ठी दे महल ले लेते हो, जैसे सुदामा का मिसाल है। इसलिए बाप को भोलानाथ कहा जाता है। तुम कहते हो, शिव बाबा हमारा बेटा भी है। जब बेटा ऐसा है जो कुछ लेता भी नहीं और सबको देता ही है। भक्ति में कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, परंतु भक्ति में तो अल्प काल का फल मिलता है। ज्ञान में समझ से करते हैं, क्योंकि बाप की पहचान मिल गई, डायरेक्ट करते हैं, इसलिए सदा काल का मिलता है। ज्ञान में वर्षा सदा काल का, भक्ति में वर्षा अल्प काल का। ओम शांति। रूहानी बच्चों से रूहानी बाप रू रूहान कर रहे हैं। जैसे कहेंगे कि रूहानी बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं। तुम आए हो बेहद के बाप से राजयोग सीखने के लिए। इसलिए बुद्धि चली जानी चाहिए बाप की तरफ। ये है परमात्मा ज्ञान आत्माओं के प्रति, परमात्म ज्ञान आत्माओं के प्रति, भगवानुवाच शालिग्राम के प्रति। आत्माओं को ही सुनना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनना है। आगे तुम देहाभिमानी थे, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आकर तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्म अभिमानी और देहाभिमानी में फर्क है, तुम समझ गए हो। बाबा ने समझाया, आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है, पढ़ती आत्मा है शरीर नहीं, परंतु देह अभिमान होने के कारण समझते नहीं। समझते हैं फलाना पढ़ाते हैं, तुम बच्चों को तो पढ़ाने वाला एक निराकार बाप है, उसका नाम है शिव। शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है, और सब कहेंगे मेरा शरीर। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा मेरा शरीर। बाकी ये सब है जिस्मानी पढ़ाइयाँ, अनेक प्रकार के उसमें सब्जेक्ट होती है। बी आदि कितने नाम हैं, इसमें तो एक ही नाम है। पढ़ाई भी एक ही बाप पढ़ाते हैं, एक ही बाप आकर बाप को एक ही बाप आकर पढ़ाते हैं। तो बाप को याद करना है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं जिसका नाम है सदाशिव। ऐसे नहीं कि वो नाम रूप से न्यारा है। मनुष्यों का नाम शरीर पर पड़ता है, कहेंगे फलाने का ये शरीर है। जैसे शिव बाबा का नाम नहीं, मनुष्यों का नाम शरीर पर, तो एक ही निराकार बाप है जिसका नाम शिव है। जब पढ़ाने आते हैं तो भी नाम शिव है। ये शरीर तो उसका नहीं है, ब्रह्मा तन में आते हैं लेकिन ब्रह्मा तन का अपना शरीर है, और शिव बाबा उसी में प्रवेश करते हैं। भगवान एक है, 10-12 नहीं, वो है एक। फिर मनुष्य उनको 24 अवतार कहते हैं। बाप कहते, तुमने मुझे बहुत भटकाया है, परमात्मा को ठिककर भीतर सब में ठोक दिया। जैसे भक्ति मार्ग में खुद भटके हैं, ऐसे मुझे भी भटकाया है। ड्रामा अनुसार उनके बात करने का ढंग कितना शीतल है। हमने भटकाया, लेकिन बाप के बात करने का ढंग कितना शीतल है। समझते हैं मेरे ऊपर कितना अपकार किया, मेरी कितनी गलानी की। मनुष्य कहते, हम निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते,
मेरे सिवाय कोई भी निष्काम सेवा कर नहीं सकता। जो करता है उसको उसका फल ज़रूर मिलता है। अभी तुमको फल मिल रहा है। गायन भी है, भक्ति का फल भगवान देंगे, क्योंकि भगवान है शांति का सागर, ज्ञान का सागर। भक्ति में अलभ काल तुम कर्म कांड करते आए हो, अब ये है ज्ञान की पढ़ाई। पढ़ाई मिलती है सारे कलम में एक बार और एक ही बाप से। बाप इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर आए हैं। आकर तुम्हें भी पुरुषोत्तम बनाते हैं, अर्थात मनुष्य देवता बनाते हैं। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। आधा कलम तो भक्ति करते थे, अब जो भक्ति नहीं करते हैं उनको वहम पड़ता है कि पता नहीं भक्ति नहीं की तब फलाना मर गया या बीमार हो गया, परंतु ऐसी बात है नहीं। बाप कहते, मीठे बच्चे तुम पुकारते आए हो ना कि बाप आकर हम पतितों को पावन बनाए, सबकी सदगति करो। अब मैं आया हूँ। भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। भक्ति से आधा कल फल मिलता। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। राम राज्य और रावण राज्य दोनों है बेहद के, दोनों का टाइम बराबर है। आधा कलम ज्ञान मार्ग का फल, आधा कलम भक्ति। इस समय भोगी होने के कारण दुनिया की वृद्धि जास्ती होती जा रही है, संख्या बढ़ती जा रही है। आयु भी कम होती, वृद्धि जास्ती ना हो उसके लिए फिर बाप आकर प्रबंध करते हैं। तुम बच्चे जानते हो इतनी बड़ी दुनिया को कम करना एक बाप का ही काम है। बाप आते ही हैं कम करने, पुकारते हैं, बाबा आकर अधर्म का विनाश करो, अर्थात सृष्टि की संख्या कम करो। दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं। बाप कितना कम कर देते हैं, थोड़े मनुष्य रह जाते हैं, विनाश के बाद थोड़े मनुष्य रह जाते हैं। बाकी सब आत्माएँ ऊपर अपने घर अर्थात शांति धाम चली जाती हैं। फिर नंबर वार आते हैं पाठ बजाने। नाटक में जितना पाठ देरी से होता है उतना घर से देरी से आते हैं। अपना धंधा करते, जब धंधा आदि पूरा कर बाद में आते हैं। नाटक वाले भी अपना धंधा करते, फिर समय पर नाटक में आ जाते पाठ बजाने के लिए। तुम्हारा भी ऐसे है, जिनका पिछाड़ी में पाठ है वह पिछाड़ी में आते हैं, बाकी समय शांति धाम रहते हैं। जो पहले पहले शुरू से पाठधारी हैं वह सतयुग में भी पहले आते हैं। पिछाड़ी वाले को देखो, आते ही रहते हैं, टाल टालियाँ पिछाड़ी तक आती रहती हैं। इस समय तुम बच्चों को ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं और सवेरे जाग में बैठते हो वो है ड्रिल। सुबह अमृत वेले जो बैठते हो वो है ड्रिल। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। योग अक्षर नहीं, मूंझते हैं, कहते हमारा योग नहीं लगता। बाप कहते, अरे तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, ये अच्छी बात है क्या? याद नहीं करेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? बाप है पति पावन। बाप आकर ड्रामा के आदमदंत का राज समझाते हैं। ये वैरायटी धर्म, वैरायटी मनुष्यों का झाड़ है। सारे सृष्टि के जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पाठधारी हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं, हिसाब निकालते हैं कि एक वर्ष में इतने करोड़ पैदा हुए, फिर इतनी जगह है कहाँ? तब बाप कहते, मैं आता हूँ लिमिटेड नंबर करने, अर्थात धर्म का विनाश कर सत्य धर्म स्थापन करने। सतयुग में लिमिट नंबर है। जब सभी आत्माएं ऊपर से आ जाती हैं, हमारा घर खाली हो जाता है, बाकी भी जो बचते हैं वो भी आ जाती हैं। झाड़ कभी सूखता नहीं। पिछाड़ी में जब वहाँ से कोई रहता नहीं फिर सभी का जाना शुरू हो जाता है। ऊपर से लास्ट आत्मा आती है जहाँ से जाना शुरू हो जाता है। नई दुनिया में कितनी थोड़ी संख्या है, अब देखो कितने ढेर मनुष्य हैं।
शरीर तो सबका बदलता रहता, वह भी जन्म वही लेंगे जिन्होंने कल पहले लिया है। ये भी वह ड्रामा कैसे चलता है, सिवाय बाप के और कोई इन बातों को समझा ना सके। कितनी समझने की बातें हैं, बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। बाकी जो सब लिमिटेड है, वेद शास्त्र आदि कुछ बनाते हैं, जास्ती कुछ बढ़ेगा नहीं। तुम लिखते जाओ तो शुरू से लेकर कितनी लंबी चौड़ी गीता बन जाए। बाबा ने 1937 से महावाक्य उचारे, तब से लिखते जाओ तो कितनी बड़ी गीता बन जाए। सब छपाते जाएं तो मकान से भी बड़ी गीताएं बन जाए। इसलिए बढ़ाई दी है, कहा जाता सागर को स्याही बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, वृक्ष की कलमें बनाओ, फिर भी भगवान के महावाक्य लिखे नहीं जाते। कहते हैं चिड़ियाओं ने सागर को हप किया, तुम चिड़ियाएं हो। सारे ज्ञान सागर का ज्ञान अपने जीवन में धारण करते अर्थात हप करते हो। तुम अभी ब्राह्मण बने हो, तुमको अभी ज्ञान मिला है, ज्ञान से तुम सब कुछ जान गए। कलब कलब तुम यही पढ़ाई पढ़ते आए हो, उसमें को कुछ भी कम जास्ती हो न सके। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उनकी उतनी ही प्रलब्ध बनती है। हर एक समझ सकते हैं हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं और कितनी हम प्रलब्ध पा सकते हैं। स्कूल में भी नंबर वाले इम्तिहान पास करते हैं। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों इस पढ़ाई से बनते हैं। जो न पास होते वह चंद्रवंशी में आ जाते। कोई जानते नहीं कि राम को बाण क्यों दिया, मारा मारी की हिस्ट्री बढ़ा दी। इस समय है ही मारा मारी। तुम जानते हो जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे वो हॉस्पिटल बनाते तो दूसरे जन्म में उसकी आयु बड़ी और तंदुरुस्त होंगे। कोई धर्मशाला स्कूल बनाते तो उनको आधा कल्प का सुख मिलता है। जहाँ बच्चे जब आते हैं तो बाबा पूछते हैं तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो कहते हैं 3 लौकिक और 1 शिव बाबा। क्योंकि ये वर्षा देता है, देता भी है, हिसाब है, उनको लेने का कुछ है नहीं, वह तो दाता है। परंतु चावल मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो। कुछ देंगे तभी तो मिलेगा, तभी कहा कि 4 मुट्ठी देकर तुम महल ले लेते हो। इसलिए भोला नाथ है पतित पावन ज्ञान का सागर है। अब बाबा कहते ये भक्ति के जो भी शास्त्र आदि हैं मैं उनका सार समझाता हूँ। भक्ति का फल होता है अल्लभ काल का। सन्यासी कहते हैं यहाँ का सुख कांगविष्टा समान है, इसलिए घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। कहते हमको स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए जो फिर नरक में आना पड़े। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। ये बेहद का नाटक है। इस नाटक में एक भी आत्मा पाठ बजाने बगैर रह नहीं सकती। ये बना बनाया खेल है। तब गाते हैं बनी बनाई बन रही अब कुछ बननी नहीं। परंतु भक्ति मार्ग में चिंता करते हैं जो कुछ पास किया वो फिर होगा। 84 का चक्कर तुम लगाते हो, ये कभी बंद नहीं होता, ये बना बनाया। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को उड़ा कैसे सकते हो। तुम्हारे कहने से तुम ड्रामा के एक्टर से निकल नहीं सकते। मोक्ष की पाना, ज्योति जो समाना, ब्रह्म में लीन होना, ये एक ही बात है। अनेक मते हैं, अनेक धर्म हैं। फिर कह देते तुम्हारी गतमा तुम ही जानो, तुम्हारी श्रीमा से ही सदगति मिलती है। सो तुम ही जानते हो, तुम जब आओ तब हम भी जाने और तुम भी पावन बने। क्योंकि इस पढ़ाई से ही हमारी सदगति होती। जब सदगति हो जाती है फिर तो कोई को बुलाते नहीं, सतयुग त्रेता में बुलाते नहीं। इस समय सबके ऊपर दुखों के पहाड़ हैं। खूनी नाग खेल दिखाते हैं और गोवर्धन पहाड़ भी दिखाते हैं।
उंगली से पहाड़ उठाया, तुम इसका अर्थ जानते हो। तुम थोड़े से बच्चे बचे हो, इन दुखों के पहाड़ को हटाते हो और दुख भी सहन करते हो। तुमको वंशीकरण मंत्र मिला है, कहते हैं तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक रजाई का तुमको मिलता है अपनी अपनी मेहनत से। तुम रजाई के लिए पढ़ रहे हो, राजयोग जिसे रजाई मिलती है वो बाप ही एक पढ़ाई पढ़ाते हैं। अब तुम घर में बैठे हो, ये दरबार नहीं है, दरबार उनको कहा जाता जहाँ राजे महाराजे मिलते हैं। ये पाठशाला है, समझाया जाता है, कोई ब्राह्मणी भिखारी को नहीं ले आ सकती क्योंकि ये इंद्र सभा है। पति द्वाजु मंडल को खराब कर देते हैं, इसलिए उनको अलाउ नहीं करते। जब पवित्र बने तब अलाउ किया जाए। अभी कोई कोई को अलाउ करना पड़ता है, अगर वहाँ यहाँ से जाकर पति बने तो उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बड़ा पवित्र है। ये हुआ अपने आप को श्रापित करना। राम की मत को छोड़, रावण की मत पर चले, विकारी बनकर आए तो पत्थर बन जाते हैं। ऐसी गरुड़ पुराण में बहुत रोचक बातें लिख दी हैं। बाप कहते मनुष्य मनुष्य बनता है, जानवर आदि नहीं बनता। पढ़ाई में कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। तुम्हारी ये पढ़ाई है, स्टूडेंट पढ़कर पास होकर फिर कमाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रीत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार, वंशीकरण मंत्र सबको देना है, पढ़ाई की मेहनत से रजाई का तिलक लेना है, इन दुखों के पहाड़ को हटाने में अपनी उंगली का सहयोग देना है। दूसरा, संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को याद करने की ड्रिल करनी है, बार बार शांति धाम जाएं फिर साकार में कार्य करें। बाकी योग योग कहकर मूंझना नहीं है। आज का वरदान, आज सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदान ही हाथ सिर पर रखकर अनुभव करेंगे। सेवा में विघ्नों की उन्नति को, सेवा में विघ्नों की उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता। विघ्न आना ये भी ड्रामा में नूंद है, आते ही हैं और आते भी रहेंगे क्योंकि ये विघ्न व पेपर अनुभवी बनाता है। इसे विघ्न ना समझ अनुभवों की उन्नति समझो। इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और सदा आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन है, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। ओम शांति। एक धारणा में बाबा ने मेजोरिटी बच्चों को फेल किया है, वह कौन सी बात होगी जिस पर सभी ब्राह्मणों को अटेंशन देने की आवश्यकता है? ये जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।